हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट डेलगोना कॉफ़ी की रेसिपी, क्योंकि जो डेलगोना कॉफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है। साथ ही साथ इसको बनाने में कम से कम आप 20 मिनट तो मान के चलिए, 20 से 25 मिनट, और यही कॉफ़ी मैं आज आपको 5 मिनट में बना के दिखाऊंगी कि आपको ये कॉफ़ी 5 मिनट में कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक मिक्सी जार आपको लेना है और उसमें डालनी है आपको कॉफ़ी, जो भी आपकी मनपसंद कॉफ़ी हो और जो आपके घर में अभी अवेलेबल हो वो ही कॉफ़ी आप डालिए। तो यहाँ पे 4 आपको टेबलस्पून कॉफ़ी के लेने हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 चम्मच हमने कॉफ़ी ली है तो हमें 8 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी चाहिए, मतलब जो भी मेज़रमेंट आप करें वो डबल आपको लेना है। 2 चम्मच अगर आप कॉफ़ी लेंगे तो 4 चम्मच आपको चीनी लेनी है। तो 8 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है। ये हो चुका है 4 चम्मच कॉफ़ी, 8 चम्मच चीनी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है 4 चम्मच पानी, कि अगर हम इसे जब मिक्सी में घुमाएं तो हमारी मिक्सी पूरी तरह से घूम जाए, जो हमारा जार है। अब हमें इसे चलाना है और कम से कम, ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 सेकंड आपको इसको चलाना है। 2 या 3 बार आप इसे चलाएंगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस हमारा मेन मकसद क्या है कि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बट ये अभी आप सोचेंगे मिक्सी जार में बन रही है, अभी नहीं बनी है। तो ये देखिए, ये हो चुकी है। अब हम इसे देखते हैं, जो हमारी इसकी चीनी है वो मेल्ट भी हो चुकी है, बट ये अभी हमारी कॉफ़ी बिल्कुल बनके तैयार नहीं है। तो आपको लेना है एक बाउल जिसमें आपको सिर्फ फेंटना है। तो मीडियम साइज़ का बाउल लीजिएगा। तो इसमें मैंने अपनी कॉफ़ी डाल दी है। अब आपको क्या लेना है, आपको दूसरा बाउल लेना है जिसमें आपको चिल्ड वाटर या बर्फ़ का पानी चाहिए, और उसके ऊपर आपको जो जिसमें आपने कॉफ़ी डाली है वो वाला बाउल रखना है, और एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से विस्क करना है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम 3 से 4 मिनट ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और देखिए एक अच्छे से फॉर्म में ये आ जाएगी। ये थोड़ा चलाने में हाथ टाइट होता है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, शायद मुझे लग रहा होगा इतना टाइट हाथ, बट ये काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टाइट चलती है ये। बट ये काफ़ी इजी मेथड है, अगर आप दूसरे मेथड से बनाएंगे कि इसे विस्क करते करते, तो आप कम से कम 20 मिनट्स तक आप इसे ऐसे ही घुमाते रहेंगे, बट ये अच्छे से विस्क नहीं होगी। तो देखिए अच्छे खासा ये फॉर्म में आ रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। तब तक आप इसको फेंटेंगे जब तक ये पूरा, मतलब जब आप इसे ऊपर उठाएं तो नीचे ना टपके। तो देखिए ये बिल्कुल हो रहा है, इसका एकदम कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी लाइट इसका कलर हो चुका है। तो देखिए अभी नीचे लग रहा है, इसे आपको नहीं लगाना है तब तक आप इसको फेंटें। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल भी फॉर्म में आ चुका है। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी जो कॉफ़ी है। इस टाइप से आपको करना है कि इतना ये फॉर्म में आ जाए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा दूध लेना है, गरम दूध लेना है, बिना चीनी का दूध लेना है, और इसको कम से कम आपको आधे से ऊपर 1/4 कप आपको दूध लेना है, इतना आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा जो हिस्सा बचा है इसमें हमें डालना है डेलगोना कॉफ़ी। तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसमें पूरी तरह से एकदम फॉर्म वाला झाग आ चुका है। हमारी डेलगोना कॉफ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं डेलगोना चॉकलेट कॉफ़ी अब आपको बना के दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने ये पेस्ट बनाया है कॉफ़ी का, इसको लेना है। उसके बाद आप कोई भी चॉकलेट पाउडर ले सकती हैं, कोको पाउडर ले सकती हैं 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जिससे इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
तो ये मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे कप में, और इसमें मैं एकदम गरम दूध डालूंगी बिना मीठे का। इसको भी आपको पौना कप भरना है, मतलब अगर आप बोलें कप के हिसाब से 3/4 कप आपको करना है। और इसमें मैं ये चॉकलेट वाला डाल दूंगी, डलगोना कॉफ़ी। तो हमारी ये चॉकलेट वाली डलगोना कॉफ़ी भी बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप चिल्ड वाटर डाल के इसे कोल्ड कॉफ़ी के तौर पे भी बना सकते हैं, चिल्ड भी बना सकते हैं। तो हमारी दोनों कॉफ़ी बनके तैयार है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, वो भी इंस्टेंट डलगोना कॉफ़ी। तो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, ठीक है।